नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं वृष्टि त्यागी। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार फटाफट। भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। 12 से 15 कमांडो ने दिया मिशन को अंजाम। हमले में 7 से 8 आतंकी ढेर। उत्तराखंड के चमोली की महिलाएं भोजपत्र पर लिख रही हैं स्वावलंबन की कहानी। कैलीग्राफी से भोजपत्र पर आरती, श्लोक और अभिनंदन लिखकर करती हैं कमाई। लुप्त होती गुलाबी मीनाकारी का बड़ा बाजार बन रहा है उत्तर प्रदेश का काशी। हजार गुणा तक बढ़ी मांग। निरंतर बढ़ती मांग और रोजगार से व्यापारियों में उत्साह। बरेली के केंद्रीय कारागार 2 में कैदियों को मिल रहा है आयुर्वेद का प्रशिक्षण। जेल कैंपस में बनाई गई आयुष वाटिका। अजवाइन, पुदीना समेत 25 प्रकार के औषधीय पौधों का जेल के कैदी ले रहे हैं ज्ञान। 90 लाख सूक्ष्म उद्यमियों को सुरक्षा गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। गारंटी के अंतर्गत उद्यमियों को मिलेगा 5 लाख का बीमा। योजना का हुआ शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के काशी स्थित अखाड़े में 450 साल बाद मिला लड़कियों को प्रवेश। तो यहां प्रैक्टिस कर कई लड़कियों ने जीता मेडल। गोस्वामी तुलसीदास ने की थी इस अखाड़े की स्थापना। लोकप्रिय कथावाचक देवकी नंदन शास्त्री ने कहा, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का अपमान और हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ अब नहीं होगा बर्दाश्त। यूपी के गोंडा में वनटांगिया समुदाय को रोजगार से जोड़ने के लिए बना प्रशिक्षण केंद्र। यहां युवक युवतियों को नर्सिंग से लेकर ब्यूटिशियन तक मिलेगा प्रशिक्षण। मेरठ की बेटी छवि सिंह गुर्जर को अमेरिका के ओबरलिन कॉलेज ऑफ आर्ट से मिली 3 करोड़ की स्कॉलरशिप। पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, एस्ट्रोलॉजी की करेंगी पढ़ाई। यूपीएसटीएफ ने 2 और संदिग्ध आईएसआई एजेंट को सहारनपुर से किया गिरफ्तार। देश की कई महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान को करते थे सप्लाई। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।